हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा नोकिया फ़ोन है तो नोकिया फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में डाटा सेवर सेटिंग है तो डाटा सेवर सेटिंग्स को आप कैसे सेट कर सकते हैं अपने नोकिया फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर नोकिया फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं। तो आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स अपनी आएगी। और जो हमारे फ़ोन में डाटा सेवर सेटिंग है तो डाटा सेवर सेटिंग्स को आप कैसे सेट कर सकते हैं, तो आप इस तरह से आइकन शो हो रहे हैं तो आपको सर्च करना है डाटा सेवर। डाटा सेवर सेटिंग्स सर्च करते ही हमारे फ़ोन में शो हो जाएगी, जहाँ से आप डाटा सेवर सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं। यहाँ से इसको ओपन करते हैं तो ओपन करते हैं जो डाटा सेवर सेटिंग्स से हमारे फ़ोन में इस तरीके से ऑन कर सकते हैं, जिससे जो हमारा मोबाइल डाटा और वाईफाई डाटा उसको आप सेव कर सकते हैं और सेव करके स्टोर करके आप उसका बाद में यूज़ भी कर सकते हैं। और ऑफ़ कर देंगे, ऑफ़ करते डाटा सेवर सेटिंग्स ऑफ हो जाएगी। और जैसे हमारे पास अनरिस्ट्रिक्टेड ऐप्स ऑप्शन आता है, जहाँ से इसको आप किसी भी ऐप्स को ऑन करके अपना डाटा सेव कर सकते हैं ऐप्स के जरिए इस तरीके से। तो इस तरह से डाटा सेवर सेटिंग्स को आप सेट कर सकते हैं नोकिया फ़ोन में। और आपको ऑप्शन नहीं मिलता तो आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर भी डाटा सेवर सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं। आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सेटिंग्स को ओपन करते हैं तो फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे फ़ोन की हमारी सेटिंग्स शो हो रही है, मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन सेटिंग, तो यहाँ से डाटा सेवर सेटिंग्स को आप सेट कर पाएंगे। जैसे इस तरीके से डाटा सेवर ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं और अनरिस्ट्रिक्टेड ऐप्स को डाटा को भी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से डाटा सेवर सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं नोकिया फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।